गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग सोच रहे थे कि आज संडे है तो संडे को आज थोड़ा सा एक्चुअली लेट से ही उठा। ये मेरा बेबी है और हम लोग आज गांव में घूमने जाएंगे जहाँ पे मेरा ससुराल है, मेरे वाइफ, मेरा बेबी और मैं, हम लोग बाइक में जाने वाले हैं। तो सोचा था आज एक ब्लॉग ही बनाया जाए, तो बहुत दिन बाद ही हम लोग मैं बना पाता हूँ एक ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, रेडी होने गाइस। तो लेट्स सी। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो। तो हम लोग नहा के आ गए हैं, रेडी होने वाले हैं। अभी रेडी होने जाने से पहले थोड़ा सा बेबी को खाना खिलाना था एक्चुअली, तो बेबी को हम लोग खाना खिला रहे हैं। करो थोड़ा सा खा के हम लोग जाएंगे घूमने। क्या? यस, ये मेरा बाइक भी रेडी है, अभी चकाचक पैकिंग हो गया है हम लोगों का चिकन स्किन। तो वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा चिकन ले लेंगे। ये हम लोग जाने के लिए पूरा रेडी है, ऑल सेट। हम लोग ने हेलमेट भी पहन लिया, सब लोग, बेबी ने भी पहन लिया, और अभी इसका भी देख लीजिए हेलमेट। हाँ, तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे जाके। अराउंड 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो चलते हैं, देखते हैं रास्ते का भी कुछ वीडियोस अगर उठा सके तो हम लोग उठाएंगे ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं। একবারে ছোট একটা লাগে কি ঠিলেইরে একচুয়ালি কাটা তো পাইতাম না, এটা লেগে কি আমরা তো কাটা নিলাম লে একটা ওই যে গেলে। হ্যাঁ, ছোট যায় দেন না, এটা এক ছোটা সা মুরগি লেঙ্গে আছে, ইসকো পকাएंगे। ये हुआ है 1 किलो 300 ग्राम। हम अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो अभी एक मिनट ये मुर्गी पकाएंगे आज। तो अभी थोड़ी देर बाद उसको जो भी रेडी करेंगे, रेडी करके इसको पकाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हम लोग अंदर घुसे, ये है रूम, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, कोई नहीं। और ये है किचन जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं चिकन। तो ये है मेरा वाइफ, यहाँ पे चूल्हा जला रहा है। तो देखिए प्याज काटा जा रहा है। ये मेरा बड़ा साला प्रताप, यहाँ पे हाई करो, हेलो करो, हेलो। तो प्याज व्याज छिलाया जा रहा है, तो उधर में उस साइड में हम लोग देखेंगे तो आग वाग जला के हम लोग रेडी कर रहे हैं। चलिए, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। तो ये चिकन भी रेडी हो गया। चिकन को पीस 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 कर रहा है। एरिया में काऊ घुस गया है।
पूरा रबर का पेड़ है। मेनली इधर का लाइवलीहुड रबर से ही बनता है। ये रबर कलेक्शन हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे रबर जमता है एंड रबर का ट्री से ये कट कट के इधर में जमता है। देखा ना, देख सकते हैं। रुको 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 रुको, ओ जम गया। देखिए ये कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओ वाओ, लुक हाउ दिस बॉय इज वॉकिंग। क्यूट बॉय, सच अ क्यूट बॉय। इस तरीके से यहाँ पे पानी रबर डाल के शीट बनाया जाता है। शीट को, उस शीट को अब मैं दिखाता हूँ। उस शीट को हम लोग इस मशीन में फिर से उसका रस निकाला जाता है। पानी जो है, जो भी पानी है उसको निकाला जाता है इस मशीन से घुमा घुमा के। देखिए मेरा बेबी क्या कर रहा है, दिखा रहा है आपको ऐसे घुमा के कि ऐसा किया जाता है रबर को इसके अंदर। तेल दे दिया है यहाँ पे। इसमें हम लोग चिकन पकाने वाले हैं सबसे पहले। ये धुल के आ गया चिकन एंड इसमें अभी हम लोग क्या डाले, अभी मिर्ची डाला, मिर्ची कूटा हुआ एंड उसके बाद ये हो गया लहसुन कूटा हुआ मतलब पेस्ट किया हुआ एंड ये अदरक, ये भी मिक्स मतलब मिक्सचर ग्राइंडर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे जो पुराना जो बाटा है होता है ना तो उसमें से बटा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हल्दी डाल दिया इसमें चिकन में। ये जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया आपने, धनिया पाउडर। ये जीरा डालने वाला है, जीरा डाल दिया यहाँ पे। नमक, ये अभी नमक डाल दिया। सरसों का तेल डाल दिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है इसको इस तरीके से। प्याज डाल दिया, प्याज को फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक, तो तब तक थोड़ा वेट करेंगे। और ये रहा मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हम लोग ने मैरिनेट किया था। थोड़ी देर में हम इसको रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे। तो अभी ये भुन गया है, जो फ्राई हो गया है अच्छे से ये प्याज। तो इसमें हम लोग चिकन डालने वाले हैं जो हम लोग ने मैरिनेट किया था। तो ये रहा, ये हम लोग डाल दिए। अभी बस इसको फ्राई करना है, पकाना है, क्योंकि इसमें हम लोग कड़ी में पानी नहीं डालने वाले हैं। इसको हम लोग कसा जो बिना पानी का कड़ी बनाने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। मुझे तो एक्चुअली मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है उसको देख के। गाइस देखते हैं ये पकने के बाद कैसा अच्छा बनता है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है चिकन स्किन और इसमें चिकन भी मिला हुआ है, चिकन स्किन और चिकन। तो इसको हम लोग भरता करने वाले हैं। इसको पहले बॉयल करेंगे, बॉयल करके इसमें प्याज लहसुन वगैरह डाल के, अदरक वगैरह डाल के इसको अच्छा से मिक्स करेंगे एंड इसको इसी को ही एक कड़ी बनाएंगे अलग से। इसमें बाद में धनिया भी मिलेगा, धनिया भी डालेगा। ये अभी इस डेक्ची में डाल दिया गया है। अभी इसमें थोड़ा पानी डाला जाएगा, पानी डाल दो यहाँ पे। पानी डाला, इतना ज़्यादा नहीं, इतना बस इतना, ताकि ये यहाँ पे ही सूख जाए पानी। पानी को बाहर नहीं फेंकना है।
अलग से, क्योंकि ये पानी मिर्ची सब यहाँ पे मिक्स होके इसमें लगभग जब जब ये जब पानी सूख जाएगा तो इसमें ही ये थोड़ा सा स्लाइट फ्राई फ्राई टाइप का हो जाएगा। एक तरफ बन रहा है चिकन एंड दूसरी तरफ चिकन और चिकन का स्किन मिला के भरता बनेगा। तो फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ यहाँ पे। नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। ये है पिंटू मेरा सेकंड साला। तो ये बेम्बू को ऐसे रेडी कर रहा है ताकि इसको मिर्ची को ऐसे पिरो सके उसमें, ताकि इसको बाद में हम लोग आग में सेकेंगे। था अभी शाम हो गया तो करंट भी चला गया तो ये हो गया। क्या क्या बोले अभी, और यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, आप लोगों को कैसे ये करूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यही चैलेंजेस है हम लोगों के सामने कि हम लोग आप लोगों को कैसे दिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है और लैंटर्न के द्वारा सहारे हम लोग यहाँ पे की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना तक कर सकते हैं। और ऊपर से गांव है तो गांव में क्या होता है कि इन्वर्टर लाइट भी नहीं होता है एंड ये लैंटर्न का ही सहारा लेना पड़ेगा। अभी जो भी हो रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। थैंक गॉड कारण अभी तो आ गया है, लेकिन पता नहीं बाद में फिर से कब चला जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको बना के आप लोग को दिखा सकें। ये अभी भरता का ये बॉइलिंग हो गया है, अभी इसमें प्याज भी डाल दिया है, इसको बॉईल किया जा रहा है अच्छे से, प्याज के साथ मिक्स किया जा रहा है। ये जो है मिर्ची है, मिर्ची को हम लोग ऐसे बेम्बू की छोटा सा पीस मतलब लंबा करके जो कटा हुआ है उसमें हम लोग पिरो दिए हैं। अभी इसको कैसे हम लोग कोयला में सेकने वाले हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके हम लोग रख देते हैं कोयला में, इसको पलट दिया जाएगा चिमटा के सहारे। उधर में चिकन भी हम लोग का ऑलमोस्ट पक गया है, थोड़ा ही बाकी है और देखते देखते बहुत सारे आप देखा ही होंगे बहुत सारे काम था और सबके बावजूद हम लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग खाने बैठ जाएंगे। अभी वो जो मिर्ची हम लोगों ने कूटा मतलब बर्न किया था उसको हम लोग कूटने वाले हैं, कूट के हम लोग इसको एकदम ताकि हम लोग इसको भरता बना सकें। भरता करने के लिए सब जरूरी है, इसमें अदरक आएगा, प्याज इसमें डल जाएगा एंड इसको ऐसे इस तरीके से हम लोग मिर्ची को कूट लेंगे। और ये हम लोग का चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें बस थोड़ा सा ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग। और उधर में बन रहा है, फिर से हम लोग चेंज कर दिया यहाँ पे, हम लोग उधर में भरता के लिए चिकन स्किन और फिर से बोल रहा हूँ चिकन स्किन और चिकन का जो हम लोग भरता करने वाले हैं, आप लोग भी करिएगा घर में। कर यहाँ पे ये अदरक डल गया है तो अदरक को हम लोग अभी मिर्ची के साथ ही पीसेंगे। आग से हम लोग रेडी करके निकाल दिए हैं, अभी इसमें साथ बस प्याज और मिर्ची अदरक एंड लहसुन का जो हम लोग ने कूट बनाया था वो हम लोग इसमें डालने वाले हैं,
विथ हम लोग का जो देसी जो पत्ता होता है धनिया का उसके साथ। ये हम लोग मिक्स डालने वाले हैं, डाल दिया अभी इसको एकदम मिक्स करके डाल के हम लोग पूरा इसको मिक्स करने वाले हैं। एक साथ डाल दो, एक साथ डाल दो, ठीक है। तो हम इसको रख लें, बाद में डालेंगे। ये हम लोग का चिकन का स्किन और चिकन का जो भरता है वो रेडी है, और हम लोग का चिकन का करी तो ऑलरेडी रेडी है पहले से ही। तो हम लोग अभी थोड़ा ये मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद खाना खाने वाले हैं। ये है चिकन और स्किन का भरता, देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो सेकंड है हम लोग का चिकन का करी, वाओ इट्स डिलीशियस। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है यार। चलो तो अभी मैं खाने वाला हूँ। मेरे बेबी भी आ गए मेरे पास खाने के लिए। मुझे कोई परोसो यार। ये क्या है पापा? कैमरा। कैमरा? हाँ। ओके। बोलो, बोलो, बोलो। बोलो? हाँ। और भी पूछो बोल रहा है। पूछो। हाँ। ये स्टैंड क्या है पापा? कैमरा। कैमरा? हाँ। स्टैंड? है कैमरा स्टैंड। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड। ट्राइपॉड। हाँ बोलो। खाना दो, खाना दो, खाना दो। नहीं बोई देरी होगा। मेरा खाना आ गया है दोस्तों, मैं भी खाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है चिकन करी और ये है चिकन और चिकन का स्किन का भरता जो बहुत ही डिलीशियस होने वाला है दोनों। मैंने पहले से हाथ धो के रखा है, नो टेंशन। ये मैं पहले शुरू करने वाला हूँ चिकन करी। वाओ आप भी कभी घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस है। और ये रहा, ये रहा चिकन का भरता जो चिकन स्किन, चिकन स्किन का भरता। वाओ 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 वाओ। तो गाइस ये तो हो गया डिलीशियस। आप अपने घर में ट्राई कीजिए एंड खा के दिखाइए, खा के बताइए जरूर, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को और भी वीडियो बनाने की ताकत मिले, हिम्मत मिले। लाइक कीजिए एंड अगर जरूरत पड़े तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हैं आप लोग के लिए कमेंट के लिए इंतजार में। ठीक है गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। या yeah.